पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखी। इंटरव्यू में केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग उठाई। देखिए, पिछले 70 साल से दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, दिल्ली के लोगों का शोषण हो रहा है। 70 साल पहले 1950 में पूरे देश में जनतंत्र आ गया। हर राज्य के अंदर लोग अपनी वोट डालते हैं, सरकार चुनते हैं, और जो सरकार चुनते हैं उस सरकार को सारे काम करने की उनकी पावर होती है, लोगों को सुरक्षा देने की, लोगों को न्याय देने की, उनका विकास करने की। दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं है। दिल्ली के अंदर लोग वोट तो डालते हैं, सरकार तो चुनते हैं, लेकिन उस सरकार के पास काम करने की कोई पावर्स नहीं है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, दिल्ली में दिल्ली पुलिस है, लोगों किसी के घर में चोरी हो जाए, दिल्ली के अंदर आज महिलाओं के साथ इतना गलत काम हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कार की इतनी घटनाएं हो रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, लोग थाने जाते हैं, पुलिस सुनती नहीं है, फिर लोग मुख्यमंत्री के पास आते हैं, अपने विधायक के पास आते हैं, उन्हीं के पास आ सकते हैं, उन्हीं को चुन के भेजा था। मुख्यमंत्री और विधायक कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पुलिस उनके अंडर में नहीं है। पुलिस किसके अंडर में है? पुलिस सीधे प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री के अंडर में है। तो अब एक आम आदमी जिसके घर में चोरी हो गई, जिसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, जिसके घर में किसी लड़की के साथ गलत काम हो गया, वो प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकता, प्रधानमंत्री जी लोगों से नहीं मिलते, गृहमंत्री से नहीं मिल सकता वो इस देश। तो वो एक आम आदमी जिसके घर में गड़बड़ हो गई, वो कहां जाए? पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए केजरीवाल ने मोदी सरकार को पूरा समर्थन देने की बात की। सब राजनीति को अलग छोड़ के सारा देश इस टाइम प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। मेरे उनसे 100 डिफरेंसेस हो सकते हैं, अभी आपके सामने ही बताए, लेकिन मैं पुलवामा के मामले में, पाकिस्तान के मामले में मोदी जी का पूरा समर्थन करता हूं। वो एक सख्त एक्शन लें, सारा देश चाह रहा है कि पाकिस्तान, अभी प्रॉब्लम क्या हो गई है, पाकिस्तान कुछ भी करके चला जाता है, कोई कॉस्ट ही नहीं है। पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि अगर वो हमारे कुछ करेगा तो उसकी उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी पाकिस्तान को कुछ भी करने की कीमत नहीं चुकानी पड़ रही। उसे पता होना चाहिए कि अगर वो 40 हमारे शहीद करेगा तो हम 400 शहीद करके आएंगे, एक के बदले 10, ये कीमत होगी। उसको कीमत कॉस्ट पता होनी चाहिए इस तरह के मिस एडवेंचर की। इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल वाड्रा को बचाते जबकि मोदी सरकार को घेरते नजर आए। रॉबर्ट वाड्रा आजकल रोज ईडी के चक्कर काट रहे हैं, अब वो आपको लगता है कि वो भी राजनीतिकरण है उसका, या फिर चुनाव के जस्ट पहले 5 साल क्या कर रहे थे मोदी जी? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मोदी? प्रियंका गांधी राजनीति में और रॉबर्ट वाड्रा के पास मुझे नहीं पता। अब जो भी जांच चल रही है वो ईमानदार जांच नहीं है, वो राजनीति से प्रेरित जांच है। चुनाव के 2 महीने पहले आप ममता बनर्जी के पुलिस कमिश्नर को पकड़ लेते हो, इनके ऊपर ईडी में बुलाते हो इनको, आपका मकसद कोई भ्रष्टाचार दूर करना थोड़ी है यार। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी और शाह को हराने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। राहुल गांधी से बात हुई आपकी यहाँ पे दिल्ली में कुछ सत्ता में आने के लिए, कुछ कोएलिशन बनाने के लिए, 7 सीटों पे कुछ बात हो पाई आपके राहुल गांधी से? हो रहा है कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ऐसा उन लोगों ने बताया, उन लोगों में से राहुल गांधी ने कांग्रेस की तरफ से बताया गया। तो मतलब मान के चली जाए कि खत्म है, कोई चांस नहीं है, ऐसा लगता है? तो आपको लगता है कि दिल्ली में 7 सीटों पे बीजेपी को फायदा होने वाला है? लड़ाई टफ होगी, अगर दोनों साथ आते हैं तो बीजेपी वाइप आउट हो जाती, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है, अभी हम जो सर्वे करा रहे हैं अपने, मुझे कॉन्फिडेंस है कि इसके बावजूद भी, हालांकि कांग्रेस साथ नहीं आ रही, इसके बावजूद भी हम लोग बीजेपी को शिकस्त देंगे। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस सारी पार्टियों को